वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको गोहर महल का बहुत ही अच्छा मेले का टूर कराऊंगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे यहाँ की ज्वेलरी कलेक्शन लगा सो आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा फॉर ज्वेलरी कलेक्शन जो कि ज्वेलरी लवर्स हैं वो ज्वेलरी के लिए यहाँ पर जरूर विजिट करें मैंने भी यहाँ से कुछ ज्वेलरी बाय की है क्या बाय की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और काफी अच्छा मेला लगा है और ये इक्कीस मई तक लगा यानी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे तक ये मेला लगा है सो आप लोग विजिट जरूर कीजिए एंड इस चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हुआ आज हम टूर करने वाले हैं गौहर महल का कॉटन सूट्स का मेला यहाँ पर आपको कॉटन सूट्स के अलावा काफ़ी ज्यादा शॉप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और मैंने भी बहुत अच्छी शॉप्स यहाँ पर कवर की हैं और काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सबसे पहले जैसे ही आप पेंटर्ड होंगे तो आपको यहाँ पर ये पूरे टेराकोटा के आइटम्स देखने को मिल जाएंगे जो कि होम डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं प्राइस रेंज इसकी यहाँ पर थोड़ी सी हाई रहती है अदर देन द मार्केट यानी अगर आप मार्केट की किसी और शॉप से बाई करेंगे तो थोड़ा रीजनेबल में आपको मिल जाएगा बट यहाँ पर थोड़ी प्राइस रेंज इसकी हाई थी और क्वालिटी वाइज सभी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे पीसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छी शॉप्स मैंने कवर की हैं और ये गौहर महल में मेला लगा है ये ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे यानी इक्कीस मई तक ये मेला लगा है सबसे पहले मैं शॉप नंबर थर्टी एट पर पहुँची थी यहाँ पर आपको इस तरीके से ये झाड़ू का कलेक्शन मिल जाएगा जो कि आप मंदिर वगैरह में भी इसे ज़्यादातर यूज होती हैं और इसका फिक्स प्राइस हंड्रेड रुपीज़ में आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इस मेले की टाइमिंग मैं अप्रॉक्स चार बजे के समथिंग यहाँ पर विजिट किया था लेकिन आप लोग यहाँ पर पाँच छः बजे के आसपास पहुँचेगा ताकि सारी शॉप्स आपको ओपन मिलें क्योंकि कुछ शॉप्स ओपन नहीं थी तो आप लोग पाँच से छः बजे के बाद ओपन करिएगा रात को नौ बजे तक ये मेला आपको यहाँ पर मिल जाएगा काफ़ी अच्छी यहाँ पर ज्वेलरी का कलेक्शन मिल जाएगा इस शॉप पर मुझे इस तरीके की ऑक्सरडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन टू का प्राइस बताया जो कि है और ये मैम ने यहाँ पर शॉप लगाई हुई है और इस तरीके के इनके पास हैंडमेड ये पूरे कॉटन के हैं ये फ्लावर्स वगैरह यानी कपड़े के आपको उस तरीके का कलेक्शन मिल जाएगा सेट्स का इसमें आपको एयर भी मिल जाएंगे और वो कस्टमाइज भी करते हैं और ये सभी का प्राइस मैंने स्क्रीन पर भी शो किया है तो so, आप प्राइस देख सकते हो थोड़ा बहुत ही बार्गेनिंग करेंगे अदरवाइज़ ज़्यादातर शॉप्स पे फिक्स प्राइस है इनके पास आपको ज़्यादातर हैंडमेड ज्वेलरी का कलेक्शन मिल जाएगा जो कि कॉटन सूट्स के जो कपड़ा होता है ना उसी का ज्वेलरी इन्होंने कस्टमाइज़ किया है और बहुत ही अच्छी शॉप है इनके पास ज़्यादातर आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन भी मिल जाएगा और हैंडमेड भी इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है इस तरीके के एयरिंग्स भी आपको इनके पास काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे हर कलर डिजाइन ये मैम कस्टमाइज भी कर देती हैं इस तरीके के एयरिंग्स इनके पास थ्री हंड्रेड रुपीज़ की प्राइस रेंज पर आपको मिल जाएंगे एक बार आप लोग इस मेले में ज़रूर से विजिट कीजिएगा क्योंकि ऐसी मेला बहुत ही रेयरली लगता है और नॉर्मली शॉप्स के अलावा यहाँ पर बहुत ही अच्छी शॉप्स आगे मैंने कवर किए हैं सो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखेगा काफ़ी अच्छी शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी ये वाला सेट मैम ने बताया सिर्फ नेक पीस रहेगा ये आपको टू फिफ्टी रुपीज की प्राइस रेंज पर रहेगा और भी इनके पास काफी अच्छी ज्वेलरी का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा टेरा कोटा की ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी काफी अच्छी हैंडमेड ज्वेलरी और बैंगल्स का कलेक्शन भी मैम के पास मिल जाएगा इस तरीके के बैंगल्स भी अवेलेबल हैं जो कि वन से टू हंड्रेड की प्राइस रेंज पर है और काफी अच्छा कलेक्शन इनके पास ज्वेलरी में आपको देखने को मिल जाएगा और जहां से मैंने शॉपिंग की है ज्वेलरी की वो शॉप मैं आपको आगे दिखाऊंगी काफी अच्छा कलेक्शन है और ये सब्सक्राइबर की डिमांड थी तो मैम ये मैंने आपके कवर किया है सो so आप देखें इस मेले में काफी अच्छा है एक बार आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा मुझे तो ये मेले का कलेक्शन काफी अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा मेला है और मैं चार बजे के अप्रॉक्स पहुंची थी यहाँ पर तो शॉप्स कुछ ओपन नहीं हो पाई थी अब मैं पहुंची शॉप नंबर थर्टी पर यहाँ पर आपको किड्स के लिए बहुत ही अच्छे वुडन टॉयज मिल जाएंगे इस तरीके का डमरू आपको वन ट्वेंटी रुपीज़ की प्राइस रेंज पर मिल जाएगा काफ़ी प्यारा लग रहा था ये और इसका मतलब जो फिनिशिंग थी ना मतलब किड्स के लिए तो बहुत ही अच्छा इनके पास खिलौने आपको मिल जाएंगे ये अंकल ने शॉप लगाई हुई थी इस तरीके का आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा और भी डिज़ाइनस इसमें टॉयस में अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छा कलेक्शन इनके पास आपको मिलेगा बहुत ही अच्छी शॉप लगी मुझे वुडन के लिए और ये फ़ैन मुझे सबसे बेस्ट लगा यहाँ पर इस तरीके के फैंस आपको नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलते हैं और ये फैन आपको यहाँ पर फिफ्टी रुपीस की प्राइस रेंज पर मिल जाएगा मुझे काफी प्यारा लग रहा था इसमें कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे बहुत खूबसूरत फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन है और इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और ये अंकल बुधनी से आए हुए हैं सो तो आप यहाँ पर एक बार विजिट करें और इस तरीके का कलेक्शन आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलता और ये फैन मैंने भी यूज़ किया और आप लोगों को दिखा रही हूँ काफ़ी अच्छी हवा भी दे रहा था ये सो आप लोग अगर इस मेले में जा रहे हैं तो इनकी शॉप पर भी विजिट कीजिए और इस तरीके के फैन भी जरूर बाय कीजिएगा और ये सेम ही अंकल के पास इस तरीके का मनी बैंक भी आपको मिल जाएगा किड्स के लिए वुडन आपको मिलेगा, जो कि काफी था। भी अंकल के पास आपको मिल जाएंगे और ये अंकल की शॉप थी ये शॉप नंबर थर्टी सिक्स और यहाँ पर आपको वुडन स्पून भी फिफ्टी रुपीज की प्राइस रेंज पर मिल जाएंगे और काफी अच्छा वुडन आइटम्स अंकल के पास आपको मिल जाएगा खलबट्टा वगैरह भी है और काफ़ी अच्छे और भी डिज़ाइन है मैंने तो सिर्फ कुछ ही सैम्पल्स कवर किए हैं अब मैं गेट के अंदर एंटर्ड हो चुकी हूँ जो बड़ा सा गेट है तो राइट हैंड साइड पर सबसे पहले आपको सूट की शॉप मिल जाएगी यहाँ पर मैंने जो सूट देखा था ये वाले सूट्स आपको ट्वेल्व फिफ्टी रुपीज़ की प्राइस रेंज पर है थोड़ा बहुत ही बार्गेनिंग करेंगे यानी फिफ्टी रुपीज़ से हंड्रेड रुपीज़ अप्रॉक्स इतना ही इससे ज़्यादा बार्गेनिंग वो यहाँ पर नहीं करेंगे पर मुझे सूट्स की प्राइस रेंज हाई लगी मेरी सब्सक्राइबर्स ने भी कहा था कि मैम सूट्स आप देख के आइए सूट्स तो अच्छे हैं लेकिन मुझे प्राइस रेंज हाई लगी सो so आप लोग जब भी जाएं अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं लेकिन सूट्स का कलेक्शन काफी अच्छा आपको इस मेले में देखने को मिलेगा ज्यादातर प्योर महेश्वरी सूट्स का कलेक्शन और साड़ियों का कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये वाला सूट आपको प्योर महेश्वरी का था और ये थर्टीन फिफ्टी की प्राइस रेंज पर है इसमें आपको कुर्ता एंड दुपट्टा रहेगा इसमें बॉटम नहीं है फैब्रिक क्वालिटी वाइज काफी अच्छा था यह इसका इसमें आपको ऑप्शन भी इनके पास मिल जाएंगे महेश्वरी में इनके पास आपको साड़ियों का कलेक्शन भी मिल जाएगा जो कि थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज की प्राइस रेंज फिक्स रहेगा आफ्टर डिस्काउंट यानी इसके बाद ये भैया आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे इसमें कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे काफी अच्छे इनके पास साड़िया एंड सूट्स का कलेक्शन आपको महेश्वरी में देखने को मिल जाएगा सो इस तरीके के मेले साल भर में एक आध बार ही लगते हैं तो आप लोग गोहर महल जरूर विजिट कीजिएगा इक्कीस मई तक ये मेला यहाँ पर लगा है और यहाँ पर आपको इस बार काफी ज्यादा ज्वेलरी की शॉप्स देखने को मिलेंगी यानी सूट्स के साथ साथ यहाँ पर आपको काफी अच्छी ज्वेलरी का कलेक्शन देखने मिल जाएगा और हर एक ज्वेलरी के शॉप पर आपको कुछ ना कुछ यूनिक एंड डिफरेंट मिलेगा यहाँ पर आपको ज्यादातर इस तरीके की, की प्राइस रेंज पर मिल जाएगा ये यह यहाँ पर आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा जो कि पूरे मेले में ये मैम ही सेल कर रही हैं इस तरीके के पेंडेंट्स जो कि मुझे भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे इसमें आपको ईयरिंग्स नहीं आएंगे सिर्फ पेंडेंट आपको टू हंड्रेड में रहेगा और मैम बार्गेनिंग नहीं करेंगी अब इस तरीके के अगर आप कड़े लेते हैं तो ये आपको वन फिफ्टी रुपीज से टू हंड्रेड रुपीज की प्राइस रेंज पर आएगा ये मैं सिंगल का प्राइस बता रही हूँ इसमें किसी में आपको पेयर मिलेगा और किसी में आपको सिंगल मिलेंगे सो तो आप जो भी लें देखें और फिर लीजिएगा बट तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा ये सब भी आपको वन फिफ्टी से टू हंड्रेड रुपीज की प्राइस रेंज का ही कलेक्शन है और मैम के पास मुझे सबसे अच्छी ये चेन लग रही थी जिसमें ऐसे स्टोन वाला डिजाइन था ये ये आपको टू हंड्रेड रुपीज की प्राइस रेंज पर रहेगा ये एक चेन इस साइज की आपको मीडियम साइज है ज्यादा लॉन्ग नहीं है ये टू हंड्रेड रुपीज की प्राइस रेंज पर रहेगा इसमें मल्टी कलर्ड स्टोन यूज है काफी खूबसूरत लग रही थी मैम के पास ज्वेलरी का कलेक्शन आपको अच्छा देखने को मिलेगा सो इनकी शॉप पर भी आप विजिट कर सकते हैं आप बिल्कुल सामने ही पेड़ के पास सामने आपको बैक साइड आपको ये शॉप मिल जाएगी यहाँ पर आपको इस तरीके के, के कलमकारी में सूट्स मिल जाएंगे इसकी क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा अच्छे थे नॉर्मल कलमकारी से हैवी सूट रहेगा या आपको फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज की प्राइस रेंज पर है थोड़ा बहुत भैया बार्गेनिंग कर लेंगे और ये भी कलमकारी है इसमें भी आपको काफी ज्यादा कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे ये भी आपको फिफ्टीन हंड्रेड की प्राइस रेंज पर मिल जाएगा डिजाइन एक से बढ़ के एक आपको मिल जाएंगे इस तरीके के इनके पास ये मुझे साड़ियों का कलेक्शन ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था यह आपको चौ, चौबीस सौ तो की प्राइस रेंज पर रहेगा इसमें कलर डिजाइन पैटर्न आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे और सूट में मुझे ये ब्लैक एंड ग्रे वाला बहुत अच्छा लग रहा था यह प्योर महेश्वरी का सूट है फोर रुपीस की फिक्स प्राइस पर रहेगा आफ्टर द डिस्काउंट अब उसी के जस्ट साइड में एक और शॉप लगी है यहां पर आपको बटीक प्रिंट के सूट सिक्स फिफ्टी रुपीज़ की प्राइस रेंज पर मिल जाएंगे क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं बट इसी तरीके का सूट मैंने फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी रूपीज़ की प्राइस रेंज पर लिया था रमज़ान में सो so आप जो भी लें चेक करके लें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बाय कर सकते हैं बट ये फिक्स रहेगा सिक्स फिफ्टी रुपीज़ बटीक प्रिंट का और ये अंकल यहाँ पर सेल कर रहे थे काफ़ी अच्छे इनके पास बटीक प्रिंट के सूट मिल जाएंगे ये इन्होंने एक डिस्प्ले पर भी लगाया हुआ था क्वालिटी वाइज बटीक प्रिंट के सूट तो बहुत अच्छे होते हैं और समर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और यहाँ पर आपको काफी अच्छा मेला यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेले में बहुत अच्छे डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे अब उसी के साइड uh, वाली शॉप पर ही आपको कॉर्नर पे शॉप है यहाँ पर आपको लखनऊवी चिकनकारी कुर्तीज़ का कलेक्शन सेवन फिफ्टी रुपीज़ में शॉर्ट कुर्तीज़ का कलेक्शन है इसमें आपको रेउन फैब्रिक जॉर्जेट के फ़ैब्रिक और डिजिटल प्रिंट के जो आजकल इस तरीके की कुर्तीज़ चल रही हैं ये सेवन फिफ्टी रुपीज़ के फिक्स प्राइस पर भैया सेल कर रहे हैं इस पर वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे सो आप जो भी यहाँ से लें अच्छे से चेक कर लें क्योंकि यहाँ पर रिटर्न एंड एक्सचेंज नहीं होता है सो अच्छे से आप चेक करके लीजिएगा और जहाँ आपको लगे वहाँ आप थोड़ी बहुत अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग कर सकते हैं बट उन्होंने तो मुझे फिक्स प्राइस यही प्राइस बताएं वो जो मैं आपको बता रही हूं ये भी आपको डिजिटल प्रिंट पे आ जाएगा सेवन फिफ्टी रुपीज की प्राइस रेंज पर शॉर्ट कुर्ती है अब इन्होंने एक कॉटन की कुर्ती मुझे दिखाई थी जिस पर आपको इस तरीके का डिजाइन और वर्क आएगा ये प्योर कॉटन है सेवन हंड्रेड रुपीज के प्राइस रेंज पर है इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे और इनके पास कुछ इस तरीके की कुर्तीज़ भी हैं बट यहाँ पर आपको मैक्सिमम 44 तक का ही साइज़ मिलेगा वो भी कुछ पीसेस में बाकी ज़्यादातर इनके पास 42 तक ही साइज़ अवेलेबल है यानी ज़्यादा डबल एक्सेल एंड एक्सेल साइज़ तक ही ऑलमोस्ट अवेलेबल है डबल एक्सेल नहीं है ये कोटा डोरिया का कुर्ता आपको मिल जाएगा यहाँ पर कुर्ती मिल जाएगी एट हंड्रेड की प्राइस रेंज पर इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनज एंड प्रिंट्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे इस पर बार्गेनिंग नहीं करेंगे इस तरीके के कुर्ती की कुर्तीज़ जो कि मलमल पर है जो कि काफ़ी अच्छा फैब्रिक होता है ये भी एट हंड्रेड रुपीज़ की शॉर्ट कुर्ती का प्राइस मैं आपको बता रही हूँ लॉन्ग का तो और ज़्यादा प्राइस है ये इनकी पूरी शॉप थी तो आप यहाँ पर चिकन कारीज के लिए विजिट कीजिएगा और इस शॉप पर तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा ये देखिए कितना अच्छा गेम है इसमें ये कंचा गेम बताया उन्होंने इसका नेम एक कंचा डाले और इस तरीके से आएगा ये थ्री हंड्रेड रुपीज़ के प्राइस रेंज पर भैया सेल कर रहे हैं ये जस्ट बिल्कुल सेंटर में ही आपको शॉप मिल जाएगी ये मुझे पैरेट बहुत अच्छा लग रहा था इस को आपको सिर्फ आगे थोड़ा सा हिलाना है ये ही नीचे की बॉल हिलेगी तो ये पैरेट इस तरीके से वर्क करेगा और काफी प्यारा था ये हंड्रेड रुपीज की प्राइस रेंज पर भैया सेल कर रहे हैं और भी बहुत अच्छे इनके पास आपको किड्स के यूनिक चॉइस और वो भी सब वुडन पर मिल जाएंगे और ये कोरियन डॉल आप देख सकते हैं ये फाइव पीस का सेट रहेगा इसमें सभी के साइज़ डिफरेंट हैं आप इसको एक ज्वेलरी बॉक्स या कोई स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं ये थ्री हंड्रेड रुपीज़ की प्राइस रेंज पर रहेगा इसमें काफ़ी अच्छे डिजाइन है यानी आप कोई भी चीज़ इसमें स्टोर करके इस तरीके से भी रख सकते हैं और बहुत अच्छी लग रही थी ये डॉल भी मुझे और यहाँ पर वुडन का काफ़ी अच्छा आइटम अभी आया हुआ है सो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा इसमें आपको एक क्लिप मिलेगा टॉप की तरफ आप कोई भी फोटो वगैरह इस तरीके से भैया लगा के भी दिखा रहे हैं ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि तो शो पीस के लिए और गिफ्ट पर्पस के लिए भी काफी अच्छा एंड बहुत यूनिक है सो आप इस तरीके के शोपीस वगैरह भी यहाँ से बाय कर सकते हैं ये भी हंड्रेड रुपीज में आपको मिल जाएगा अब यहां पर इस तरीके का एक और इन्होंने टॉय दिखाया था जो कि आपको हंड्रेड रुपीज में मिल जाएगा काफी अच्छा कलेक्शन है ये भी वुडन का है प्योर और ऐसे टॉयज आपको नॉर्मली शॉप्स पर नहीं मिलते हैं और इस मेले में आपको ये सबसे बेस्ट कलेक्शन लगा मुझे सो आप जरूर से विजिट जी और ऐसे कलेक्शन का भी एक घूमने पे भी अच्छा लगता है जो कि मेले में ही ऐसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं इस तरीके के कॉम आपको थ्री हंड्रेड रुपीज में मिल जाएगा इनके पास इस तरीके का नीम की लकड़ी पर है ये भैया ने ये बताया कि नीम की लकड़ी के ऊपर एक कॉम है तो उस तरीके की प्राइस रेंज है ये भी एक शो पीस है इसमें भी आपको हंड्रेड रुपीज़ में ये मिल जाएगा इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस मिल जाएंगे और बिल्कुल पेड़ के जस्ट नीचे भैया ने शॉप लगाई है काफ़ी अच्छा कलेक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा सो आप इनकी शॉप पर भी विजिट जरूर कीजिएगा आप उसी के अंदर आपको स्ट्रेट चलना है बिल्कुल स्ट्रेट जो कि आपको फाउंटेन दिखेगा फाउंटेन के जस्ट जस्ट सामने वाली शॉप पर ही अब मैं चल रही हूँ ये शॉप बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा यूनिक हैंडमेड ज्वेलरी का कलेक्शन मिल जाएगा और यहीं से मैंने ये ईयर भी बाय किए हैं कौन से लिए हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी और ये कस्टमाइज भी करती हैं यानी ये लोकल भोपाल से ही है चूना भट्टी पे इनका पूरा सेटअप है इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी इस तरीके के इनके पास ईयर आपको हंड्रेड रुपीज में मिल जाएंगे और इसी का ब्लैक मैंने लिया है ये भी आपको हंड्रेड रुपीज में मिल जाएंगे काफी अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही ज्यादा अच्छी शॉप लगी मुझे सो आप एक बार इस मेले में जरूर विजिट कीजिए क्योंकि ऐसा कलेक्शन आपको नॉर्मली शॉप्स पर देखने को नहीं मिलता जो कि यहाँ पर आपको मिलता है और गोहर महल में तो हर बार कुछ ना कुछ यूनिक शॉप जरूर आती हैं इस बार इस तरीके की शॉप्स आई हैं जो कि ज्यादातर ज्वेलरी में और ये सारे सेट्स जितने भी अभी तक दिखाए हैं ये सब फाइव हंड्रेड रुपीज़ की प्राइस रेंज पर हैं और मैम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर करूंगी अगर आप कभी कुछ कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं सो तो वो भी आप करवा सकते हैं और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आगे आपसे शेयर करूंगी सारे सेट्स आपको वुडन पर हैं और काफ़ी फिनिशिंग क्वालिटी के साथ मैम कस्टमाइज़ करती हैं सब फाइव हंड्रेड वाला कलेक्शन है इस तरीके के ईर मैम थ्री फिफ्टी की प्राइस रेंज पर सेल कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस मैम ने कहा है कि हाई रहेगा नॉर्मली बाद में आप मैम से कॉन्टैक्ट करेंगे तो प्राइस थोड़ा बहुत मैम बार्गनिंग भी कर लेंगे ये वाले ईयरिंग्स फाइव फिफ्टी रुपीज़ में इसमें आपको मैम के पास बहुत अच्छे कलर्स मिल जाएंगे मुझे इनके इयरिंग्स का कलेक्शन काफी अच्छा लगा ये सारे आपको टू हंड्रेड रुपीज की प्राइस रेंज पर आपको मिल जाएगा डिजाइन एक से बढ़ के एक है कलर आपको हर कलर मिल जाएगा और जो डिजाइन आप कहेंगे मैम वो डिज़ाइन भी कस्टमाइज करवा देंगे और सभी में आपको इयर भी मिलेंगे ये भी फाइव फिफ्टी रुपीज की प्राइस रेंज पर आपको मिल जाएगा डिजाइन एक से बढ़ के एक आपको मिल जाएंगे और कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा और मैम का ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और ये मैम का कॉन्टैक्ट नंबर है सो आप इनसे बाद में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उसी के जस्ट साइड में आपको एक बाग प्रिंट की शॉप भी मिल जाएगी बाग प्रिंट की आपको दो से तीन शॉप यहाँ पर मिलेंगी यहाँ पर उन्होंने प्लेन बाग का प्राइस मुझे सेवन हंड्रेड रुपीज़ बताया है आप बाग की शॉप पर तो बार्गेनिंग कर सकते हैं ऐसा नहीं कि ये फिक्स प्राइस उन्होंने बताया बट आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग कर सकते हैं जिस वक्त मैं शॉप पे पहुंची थी तो लाइट ऑफ हो गई थी बट यहां पर आपको बाग प्रिंट का अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा सो तो आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं दो से तीन ही शॉप आए हैं बाग की ज्यादा शॉप्स नहीं है अप्रॉक्स दो ही शॉप है सो तो आप यहाँ पर विजिट करके अगर बाग प्रिंट में कुछ सूट्स वगैरह लेना है सो आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर आपको दुपट्टे साड़ियों का कलेक्शन भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा जो कि प्योर का और इनका कलेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे ये

आप एक बार इनके शॉप पर विजिट कीजिएगा मेले में इनके पास आपको काफी अच्छी हैंडमेड ज्वेलरी का कलेक्शन मिल जाएगा मुझे इनका ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा और भी इनके पास आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनस मिल जाएंगे मैम की पूरी शॉप सेटअप नहीं हो पाई थी जिस टाइम मैंने विजिट किया था सो तो आप एक बार विजिट कीजिएगा और कलेक्शन देखिएगा जो मेरे हाथ में मैंने नेक पीस दिखाया था उसका ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा वेयर करने पर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और आजकल हैंडमेड में आप बहुत अच्छी चीज़ें क्योंकि लाइट वेट ज्वेलरी होती है सारी हैंडमेड और इनकी शॉप पर आपको काफ़ी अच्छा यूनिक कलेक्शन देखने को मिलेगा मैम के पास इस तरीके के मैम वॉलेट्स वगैरह भी सेल कर रहे हैं जो कि टू हंड्रेड रुपीज़ की प्राइस रेंज पर हैं जो कि गिफ्ट पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है सो इन मैम से आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और इनको इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कीजिएगा ये भी ईयरिंग्स मैम की कलेक्शन है और उसी के आगे बिल्कुल बीच सेंटर में आपको एक शॉप मिलेगी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बैग्स का कलेक्शन मिल जाएगा जो कि फ़िक्स प्राइस थाउजेंड रुपीज़ का है ये सब थाउजेंड रुपीज़ वाला प्राइस है जितना भी स्क्रीन पे है इस पर भैया बार्गेनिंग नहीं करेंगे इनके पास आपको कुछ जूट का कलेक्शन भी मिल जाएगा जूट बैग्स में आपको सिक्स फिफ्टी रुपीज का इसका प्राइस बताया इस पे भैया ने जो प्राइस बताया बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करेंगे उन्होंने बोला है कि वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं ये सारे आपको ज्वेलरी बॉक्स वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगे और बहुत अच्छा कलेक्शन मुझे कुछ कुछ शॉप्स पर तो लगा जैसे इनका भी यूनिक कलेक्शन था बट इनकी भी प्राइस मुझे थोड़ी हाई लगी और ये इस तरीके का मिरर आपको टू फिफ्टी की प्राइस रेंज पर मिल जाएगा अब और भी इनकी यहाँ पर शॉप्स तो बहुत सारी है मैंने कुछ ही शॉप्स कवर किए हैं सो आप लोग ट्वेंटी ऑफ मेहता तक ये मेला है एक बार आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा काफी शानदार कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर ये यह भैया आपको मिलेंगे एंड आज का हमारा ब्लॉग यहीं कम्प्लीट होता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय